हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे झींगा ड्राई फिश के साथ पपीता की सब्जी। बने रहे हमारे साथ। कैसे बनाते हैं हम झींगा मछली को? हम धोने के लिए गर्म पानी बिठा दिए हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसे हम पानी मिला लेंगे थोड़ा सा। ये रहा हमारा ठंडा पानी, इस पर हम थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेंगे। ये रहा हमारा सूखा झींगा मछली, इसे अभी हम गर्म पानी से धो लेंगे। ये रहा हमारा एक पात्र, इसे हम डाल देंगे गर्म पानी। इसे अच्छी तरह धोना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत बाली रहता है। इसे हम धोकर उठा लेते हैं। ये रहा हमारा झींगा सूखी मछली, हमने इसे मीडियम गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, 6 से 7 बार। ज़्यादा गर्म पानी से धोने से ये पूरा टूट जाता है। पपीता को भी काट के हम इस तरह तैयार कर लिए हैं। अगर आप इस तरह नहीं काट सकते हैं तो आप इससे घिसकर भी पपीता की झींगा मछली के साथ सब्जी बना सकते हैं। सिलपट्टे पे मैंने ले लिया है कच्ची मिर्च और अदरक, इसे हम पीस लेंगे। पूरी नहीं पीसेंगे हम, आधा पीसेंगे। बने रहे हमारे साथ। मिर्ची के साथ एक छोटा सा प्याज को भी हम पीस लेंगे, आधा पीसेंगे, आधा तड़के पे डालेंगे। आधा प्याज मैंने पीसने के लिए ले लिया है। मसाले को हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने आधा प्याज कट लिया है तड़के के लिए। यहाँ पे लहसुन, यहाँ पे मिर्च, देखिए हमने अच्छी तरह से नहीं पीसा है, आधा आधा पीसा है। इस तरह से पीसना चाहिए। और यहाँ पे हमने हल्दी 1 चम्मच और 1.5 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ले लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई बिठा दिया है, अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे झींगा मछली को। कढ़ाई पर हमने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। 1/4 नमक, 1/4 हल्दी। अभी डाल देंगे हम सूखी मछली को। इसे अब हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। सूखी मछली को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल हमने ज़्यादा नहीं डाला था, 2 चम्मच ही तेल यूज़ किए हैं सूखी मछली को फ्राई करने के लिए। ये झींगा सूखी मछली है। झींगा मछली हमारा फ्राई हो चुका है, इसे अभी हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर। झींगा मछली को हमने एक प्लेट पर निकाल लिया है। उसी कढ़ाई पर अभी हम डाल देंगे तेल। तेल मैंने 3 चम्मच लिया है। डाल देंगे लहसुन जो हमने कूट के रखा था, इसमें हम 5-6 कलियाँ ही लिया है। डाल देंगे कढ़ाई पर। डाल देंगे प्याज, आधा प्याज, आधा तो हमने मिर्ची के साथ पीस लिया है, आधा को हम कट लिए हैं, इसे डाल देंगे। इसे अभी हम हिला लेंगे। डाल दिया है मिर्ची जो हमने पीस के रखा था, इसे भी हम अभी हिला लेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। डाल देंगे पपीता जो काट के रखे थे। इसे अभी हम हिला लेंगे अच्छी तरह से। मैंने अच्छी तरह से हिला लिया है, अभी इसे हम ढक देंगे। नमक हल्दी को हम बाद में डालेंगे। 5 मिनट तक ढककर रख देंगे, स्टीम को धीमा करके। ढक्कन को उतार के देख लेंगे, 5 मिनट हो चुका है। अभी इसे हम हिला लेंगे फिर से। डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने झींगा मछली पर भी डाला था, इसलिए हिसाब से ही डालिएगा। डाल देंगे हल्दी, डाल देंगे रेड चिली पाउडर। इसे अभी हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। अच्छी तरह से हमने हिला लिया है। सूखी झींगा मछली की पपीता के साथ सब्जी बनाने के लिए आप ज़्यादा तेल यूज़ मत कीजिएगा। सूखी मछली पर ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता है। अभी डाल देंगे हम सूखा झींगा मछली को। इसे हम अच्छी तरह से फिर से हिला लेंगे। अच्छी तरह से हमने हिला लिया है झींगा मछली डालने के बाद। अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी।
पानी मैंने 2 कप लिया है। अभी इसे हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। इस कप से मैंने 2 कप पानी डाला है, आप मेजरमेंट को देख लीजिए, ये छोटा सा कप है। इसे अभी हम ढक देंगे बॉईल होने के लिए। 5 मिनट तक ढक कर रख देंगे, फिर हम देख लेंगे पपीता बॉईल हुआ है कि नहीं। 5 मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन को उतार कर देख लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से उबाल रहा है। इसे अभी हम हिला के देख लेंगे, पपीता बॉईल हो रहा है, आधा बॉईल हो चुका है और थोड़ा सा बाकी है। इसे मैंने हिला लिया है। सूखी झींगा मछली के साथ पपीता के साथ बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अभी इसे हम बिना ढक्कन के उबालेंगे धीमी आंच पर, साथ में चलाते भी रहेंगे। पानी को हम पूरा सोख लेंगे, सोखने तक इसे हम उबालते रहेंगे। पानी सोखते सोखते हमारा पपीता भी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। इस पर अब हम और कुछ भी मसाला नहीं ऐड करेंगे, ना जीरा पाउडर ना धनिया पाउडर, जो डाला है हमने आपको दिखा दिया है। इसे बीच बीच पर हिलाते भी रहना चाहिए, मैंने हिलाना बार बार आपको नहीं दिखाया, आप बोरिंग हो जाएंगे दिखाते रहेंगे तो हिलाना। पपीता हमारा बॉईल हो चुका है, इसलिए स्टीम को हम अभी बढ़ा देंगे। ये देखिए पानी हमने पूरा सुखा लिया है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्जी हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अभी इसे हम अभी निकाल लेंगे। सब्जी बनकर तैयार हमारा। आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।